सो व्हाट इज अप गाइस, एक और प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग लेके आ चुका हूँ, वो है ये नॉइस का प्रोडक्ट जो है नेक बैंड। और आज की अनबॉक्सिंग करेंगे, फुल रिव्यू करेंगे। और आईओटी प्रोडक्ट्स के अंदर भी हम थोड़ा जा रहे हैं इसकी आईओटी प्रोडक्ट्स के। आपने पहले इन एयरबड्स की आपने अनबॉक्सिंग देखी होगी जो SSG सीरीज है, अगर नहीं देखी यार यहाँ पे लिंक आ रहा होगा। और बाकी सारे की मैंने सबकी एक कस्टम प्लेलिस्ट बनाई है अपने चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हो। और सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब। आप सब्सक्राइब करोगे तो एक बन की स्पेशल वीडियो पे बहुत अच्छा सरप्राइज आने वाला है। गाइस बड़े टाइम वेस्ट करें, अपनी इस फोन कह रहा हूँ इट्स नेक बैंड की अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, चलो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे भाई आज ऐसे क्यों अनबॉक्सिंग हो रही है, क्या आज हमारे पास ट्राईपॉड नहीं है? कोई बात नहीं, सह लेंगे, थोड़ा सा सह लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस नॉइस की अनबॉक्सिंग। तो गाइस सबसे पहले तो ऊपर तो लिखा हुआ है नॉइस, यहाँ पे भी पूरा हर जगह नॉइस नॉइस लिखा हुआ है, और नेक बैंड लिखा हुआ है। इसका प्रोडक्ट का नाम है नॉइस नर्व, आप सर्च करोगे तो नॉइस नर्व के नाम से मिलेगा ये। साइड में लिखा हुआ है नॉइस, और हर जगह बनाया हुआ है। हर कंपनी आज की डेट में भाई नंबर वन ब्रांड है, चाहे जो मर्जी कर लो, हर कंपनी आज की डेट में नंबर वन ब्रांड बन जाती है हर जगह। कोई कंपनी देख लो नंबर वन ब्रांड, जो ब्रांड भी नहीं है वो भी नंबर वन ब्रांड है, मतलब ये तो दोगलापन हो गया है। चलो कोई बात नहीं, इसके अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप सबको सहना पड़ेगा, मैंने खोल ली थी भाई क्योंकि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आते हैं तो उनको एक बार खोल के देख लेना चाहिए कैसे है। तो भाई इसके बैक पे कुछ इसकी लिखी हुई है की स्पेसिफिकेशन, वो है डुअल पेयरिंग, 25 आवर तक का प्ले टाइम मिलता है, इंस्टेंट चार्ज मिलता है, आई थिंक फास्ट चार्जिंग होगी, USB-C की चार्जिंग है तो ऑब्वियसली फास्ट होगी, कॉल वाइब्रेशन रिजल्ट, और ब्लूटूथ 5.0 है। मेरे ख्याल से अगर इस पॉइंट पे जो नए जनरेशन आ रहा है उसमें 5.1 मिलता तो काफ़ी बढ़िया रहता, पर कोई बात ही सह लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट कुछ बातें जो आप पढ़ सकते हो, वैसे तो सारी चीज़ तो हम यहाँ पे बैठे। एक्चुअल प्राइस इसका लिखा हुआ है 2500 रुपये। 2500 रुपये क्यों लिखा है? नहीं 2500 रुपये का 3000 लिख दो, 25000 लिख दो, इनके थोड़ी ना जाते कुछ भी। हालांकि मैं ये प्रोडक्ट है जो अगर मैं आपको बताऊँ तो ये मेरे को 1000 रुपीज़ का पड़ा है, और इसका जो लिंक है ना परचेजिंग लिंक भी मैं नीचे उसमें डाल दूंगा, और आप चेकआउट कर सकते हो। ये 1000 रुपीज़ का इस समय ऑनलाइन आपको अवेलेबल है ऑफिशियल नॉइस की साइट से। चलो गाइस अब समय आ चुका है इस फ़ोन इसको खोलने का। सो गाइस ज़्यादा कुछ नहीं था अनबॉक्स, सो गाइस ज़्यादा कुछ तो नहीं था इसमें कुछ दिखाने के लिए। सो गाइस ये है हमारा प्रोडक्ट भाई। अनबॉक्सिंग में ना वैसे कुछ था नहीं खास, तो मैंने इसको ऐसे निकाल के साइड कर दिया, पर ये हमारे पास आ चुके हैं। तो मैं सबसे पहले इस पे आना चाहूँगा, आज थोड़ा सा सहना पड़ेगा क्योंकि गाइस एक हाथ से सारी अनबॉक्सिंग करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस मैटर्स। एक USB-C टाइप की जो आपको इसके अंदर केबल देखने को मिल जाती है, और इसके साथ आपको कुछ फिंगर कह रहा हूँ सॉरी ईयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं जो साइज के साथ एडजस्टेबल है। दो तो इनके अंदर लगे हुए हैं, बाकी ये है ये। तो अब असली बात आती है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो प्रोडक्ट को सबसे पहले खोल लेते हैं यहाँ से। कहीं जो बजट में होते हैं ना आजकल की डेट में भाई, बजट में काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छी बात है। ये 1000 रुपीज़ के हिसाब से मैंने इसका जो टेस्टिंग वेस्टिंग करी है ना, तो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगे। सो गाइज अब मौका आ चुका है अपनी टेस्टिंग का, तो फटाफट इसकी थोड़ी बहुत बिल्डिंग आपको दिखा देते हैं। तो बिल्कुल ब्लैक कार्बन बॉडी है, इसके अंदर आपको जो है वो ऐसे मैग्नेटिक देखने को मिल जाता है, और जो बॉडी है मतलब ये आप सुनो साउंड, पूरी मेटलिक और हैवी बॉडी है। मतलब मैं इसको हाथ में रखूँगा ना तो मतलब मेरे को कुछ फील हो रहा है कि भाई हाँ कुछ है हाथ में। और सॉरी फॉर द साउंड, थोड़ा सा आज इको होगा, अपना माइक है ये। अब मैं इसको कान पर लगाता हूँ, भाई ये तो कान में नहीं घुस रहे। चलो एक बार आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, पीछे नॉइस की ब्रांडिंग हुई भी है, माइक्रोफोन है, लेकिन बहुत हैवी बिल्ड है मेरे ख्याल से तो मतलब इसमें ऐसी आवाज़ है, मैंने इसको कान में लगा लिया, मेरे को मेरी आवाज़ ही बहुत ज़्यादा लग रही है, मतलब ऐसा है कि ये बिल्कुल मेरे कान को बंद कर देते हैं, जो काफ़ी लोगों को पसंद आता है। मेरे को पर्सनली ये चीज़ पसंद नहीं आती, पर हाँ इसको वैसे रॉक वाले म्यूज़िक पसंद है ना, ये धमाकेदार वाले उसके लिए बढ़िया, क्योंकि ये इनमें कान में जाके एकदम सक हो जाते हैं ये प्रेशर की वजह से, तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इसकी मेरे को ज़्यादा ऐसे जैसे लुक वाइज भी सही लग रहा है, जैसे मैं हिलाऊँ तो ये गिर गया,
अच्छा ये अच्छा अच्छा अंदर से घुसा नहीं था, कोई बात नहीं, स्टैंड बाय रहना। हाँ तो देखते हैं। गाइस ऑनेस्ट रिव्यू बताऊं तो यार ये जो होते हैं ना जिनमें एयर जैसे कैप नहीं होती, या जैसे कि मेरे पास ये वाला एक प्रोडक्ट है लास्ट में जिससे आपने अनबॉक्सिंग देखी होगी, जैसे कि ये जो इसका जो ईयर की शेप बनी हुई है, ये जो ईयर की शेप बनी हुई है इसके अंदर नहीं होती ना, तो ये ऐसे कान के अंदर ऐसे फिट हो जाते हैं। मैं इसको जैसे मर्जी हिलाऊँ ये नहीं गिरेंगे, पर ये जो प्रोडक्ट होता है ना ये जिसमें आपको ईयर की वो नहीं मिलती सपोर्ट, तो ये क्या होता है कान में चले तो जाते हैं, देखने को तो सही है पर ये ना बहुत जल्दी ऐसे निकल जाएंगे, ये जैसे कि देख रहे हो निकल रहे हैं। पर इसमें प्लस पॉइंट हो जाता है, इसमें ये जो है ये वायर्ड है तो ये लटके रह जाएंगे। बाकी कुछ बातें बताऊँ तो यहाँ पे आपको वही बीच में एक नॉइस का बटन है और आगे पीछे और इधर एक फ्लैश लाइट है कनेक्टेड डिसकनेक्टेड के बाद, और ये पूरी जो है इसके अंदर वायरिंग है। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो मेरे ख्याल से फन फैक्ट है, ये जो जैसे कि ये जो बॉडी होती है ना ये किसी भी स्क्रू से टाइट नहीं होती, ये हवा से चिपकी होती है, मतलब इसको हवा के प्रेशर की वजह से ऐसे दबा के इसको चिपकाया जाता है। हर नेक बैंड में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। गाइस अब असली बात आ चुकी है इसकी टेस्टिंग की तरह, चलो फटाफट इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो मैंने इसको यहाँ से ऑन कर लिया था और इवेंचुअली मेरे को थोड़ा कनेक्ट करने में टाइम लगा था। अब जैसे कि मैं इसको दोबारा कनेक्ट करता हूँ तो ये कनेक्ट हो चुके हैं, अब गाना चला के देख लेते हैं एक बार। एक तो गाइस ये जो कच्चा बादाम ये जो आया ना भाई, इसने दिमाग ख़राब कर दिया है। पहले वो एक वो आया था बचपन का प्यार, अभी आया कच्चा बादाम ने भाई बिल्कुल ही दिमाग ख़राब करके रख दिया। पर हाँ साउंड क्वालिटी 1000 रुपीज़ के हिसाब से या 1200 के अंदर ये जो रेंज आती है ऑफर के हिसाब से, तो ये मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लगा। साउंड भी आ रहा है, क्वालिटी साउंड के मामले में जो नॉइज़ जो इसने मचाई है वो बहुत तगड़ी है। और ये इसकी मैग्नेटिक पावर बहुत तेज है क्योंकि ये मेरे रिंग से चिपक चुकी है। तो ये था कुछ ओवरव्यू और बस इसमें और क्या ही कर सकते हैं। और मेरे को बताना अगर आपको नेक बैंड वर्सेस एक TWS का अगर आपने देखना है तो कमेंट करो अभी, क्या अभी वर्सेस कमेंट करना। और वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।